और इस बारे में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के तीन मुशाहदात बयान किए। एक तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उस अपने वक्त के बहुत बड़े ताहूत बादशाह नमरूद से मुकालमा है, और उसमें वो पूछता है कि तुम्हारा अल्लाह कौन है? आप फरमाते हैं मेरा अल्लाह वही यही और यमीन, वो जिंदगी देता है मौत देता है। उसने कहा ये क्या बात है, तो हम भी दे देते हैं जिसको चाहते हैं, हम जिंदा रखते हैं जिसकी चाहते हैं, सजा माफ कर देते हैं जिसको चाहते हैं, हम कत्ल कर देते हैं। अच्छा इन अल्लाह याति बिशम्स मिन अल मशरिक फाति बिहा मिन अल मगरिब। अच्छा तो फिर एक और बात है, मेरा परवरदिगार रोजाना सूरज को मशरक से तुलू करता है, तुझे अपने बहुत पाटे खां और बहुत बड़े बादशाह और खुदाई इख्तियारात का दावा है, ठीक है तुम सूरज को मगरिब से तुलू कर दो। फबोहित अल्लज़ी कफर, तो वो काफिर जो है मबहूत होकर रह गया। कुदरत इलाही का करिश्मा एक और बयान किया गया कि एक अल्लाह का बंदा एक उजड़ी हुई बस्ती से गुजर रहा है, तो उसके दिल में ख्याल आता है कि ये बस्ती उजड़ गई, यहां के लोग मर खप गए, इनकी कब्रें तक ढह गई खत्म हो गई, अल्लाह ताला इनको फिर से कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला उनको वहीं मौत अता फरमा देते हैं और 100 साल तक उसको उसी मौत के आलम में रखते हैं और हिफाजत भी फरमाते हैं, और 100 साल के बाद उसको फिर से जिंदगी देते हैं और पूछते हैं कि यहां कितना अरसा जिंदा रहे, कितना अरसा सोए रहे? यौमन औबाज यौम, एक आध दिन, दिन का कोई हिस्सा, चंद घंटे, माया 100 साल हमने गुजार दिए हैं। ऐसे ही हमने जिनको कब्र में हजारों साल से मौत के आलम में सुलाया हुआ है, ऐसे ही हम उनको भी जगा देंगे जैसे 100 साल के बाद तुम्हें जगाया है। और तीसरा वाक्य हजरत इब्राहिम का, फिर पूछते हैं अल्लाह ये तो बता तू ये मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा? फतहिल मौत अवलम तुमिन, इब्राहिम क्या तुम ईमान नहीं रखते हो? कहते ईमान तो रखता हूं, लेकिन लिया तुम इन नकल भी चाहता हूं कि दिल में जरा और इत्मीनान आ जाए, आंखों से देख लेंगे। कहने अच्छा तो फिर यूं करो, 4 परिंदे ले लो, मार दो, एक उस पहाड़ पे, एक उस पे, एक उस पे, एक उस पे, अलग अलग पहाड़ों पे डाल दो, फिर बुलाओ, या तीन कसा आया तेरे पास भागे भागे चले आएंगे, खुद ही तुमने उनको मारा है, अब खुद ही उनको बुला रहे हो, भागे चले आएंगे। ये कुदरत हक का मुशाहदा किया कि जैसे तुम्हारे बुलाने पे ये सब भागे भागे चले आएंगे, ऐसे ही मेरे बुलाने पे भी सब भागे भागे चले आएंगे। और एक जगह तो फरमाया कि इस चक्कर में मत रहो कि मैं कैसे दोबारा जिंदा करूं, बला कादरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो इस बात पे कादिर हैं कि तुम्हारे जिस्म को ही वैसे पैदा नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी पोर पोर को, तुम्हारी उन्हीं फिंगरप्रिंट्स को भी हम फिर से ले आएंगे जो फिंगरप्रिंट्स आज हैं तुम्हारी, मरने के बाद कयामत के दिन हजार हाथ साल के बाद इन्हीं फिंगरप्रिंट्स को हम दोबारा प्रोड्यूस कर देंगे कि मैं कैसे दोबारा जिंदा करूं। बला कादरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो इस बात पे कादिर हैं कि तुम्हारे जिस्म को ही वैसे पैदा नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी पोर पोर को, तुम्हारी उन्हीं फिंगरप्रिंट्स को भी हम फिर से ले आएंगे जो फिंगरप्रिंट्स आज हैं तुम्हारी, मरने के बाद कयामत के दिन हजार हाथ साल के बाद इन्हीं फिंगरप्रिंट्स को हम दोबारा प्रोड्यूस कर देंगे। वही अंगूठा जो आज तुम लगाते हो कागजात पे, वही अंगूठा फिर भी लगाओगे, वही फिंगरप्रिंट्स होंगे।